नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर रायशुमारी करने के लिए बुलाई गई बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे तक चले। काफी देर हंगामा और मारपीट चलती रही। ये सब कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा और जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ। आपको बता दें, कांग्रेस की इस बैठक में हुई मारपीट में कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए। मामला थाने तक पहुंच गया और आदर्श नगर थाने में कांग्रेस की बैठक में हुई मारपीट को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस पूरे विवाद के पीछे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक रफीक खान समर्थकों और विरोधियों के बीच विवाद की वजह माना जा रहा है। आदर्श नगर ब्लॉक अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा के साथ चार समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बताते चले कि आदर्श नगर में जनता कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र में सोमवार को कांग्रेस के आदर्श नगर ब्लॉक के और रामगंज ब्लॉक के नेताओं कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक रखी गई थी। कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा, जिलाध्यक्ष आरआर तिवारी के साथ आदर्श नगर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में दावेदारों की रायशुमारी के लिए पहुंची थी और इस दौरान आदर्श नगर सीट से टिकट की दावेदारी जता रहे कांग्रेस नेता अफजल ने ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल उठाए। अफजल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता रहे गुलाम मुस्तफा को आदर्श नगर का ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। ब्लॉक अध्यक्ष और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की दावेदार अफजल से कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट होने लगी। कांग्रेस की बैठक में हुई मारपीट और हंगामे की वजह रायशुमारी को बीच में रोकना पड़ा और कार्यकर्ताओं ने किसी तरह बीच बचाव किया। इसके बावजूद काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हंगामे के बीच अलग अलग गुट के नेताओं के समर्थन में की जा रही नारेबाजी के पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा नाराज हो गई। पर्यवेक्षक ने व्यक्ति विशेष के पक्ष में नारेबाजी नहीं करने की नसीहत देते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, अगर इसी तरह से नारेबाजी की गई तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। हंगामे के बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इन नारों के बीच पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने कहा, नारा ही लगाना है तो कांग्रेस जिंदाबाद के लगाइए। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं तो कुछ हंगामा कर रहे हैं। अब इसी बीच पर्यवेक्षक उनसे कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने को कह रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।